गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास में यहाँ पर, और फॉर एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और वन मार्क्स क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास में आपके लिए हैं। तो चलते हैं कि किस तरीके से वन मार्क्स के क्वेश्चंस सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाएंगे और किस तरीके से उनको आपने आराम से हल करना है, यानी कि इजी वे से किस तरीके से आप हल करते हैं तो और कितना फास्ट कर सकते हैं, तो ये चीज भी डिपेंड करती है। तो वन मार्क्स क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाएगा तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो चलिए बिगर देरी के हम शुरू करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पर महत्तम समापवर्तक हमें फाइंड करना है 3 की पावर 3 गुणा के 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 गुणा के 5 की पावर 2 का, या एचसीएफ हम कहें ऑफ 3 रेज्ड पावर 3 इंटू 5 रेज्ड पावर 4 एंड 3 रेज्ड पावर 4 इंटू 5 रेज्ड पावर 2 इज डैश, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ हमें किस तरीके से निकालना, तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है, तो यानी कि हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है यहाँ पर 3 रेज्ड पावर 3 इंटू 5 रेज्ड पावर 4, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद में हमें सेकंड नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर हमें ये दे रखा है, ये वाला सेकंड नंबर है हमारा 3 रेज्ड पावर 4 इंटू 5 रेज्ड पावर 2, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमें यहाँ पर एच सी एफ फाइंड करना है, तो एच सी एफ के लिए हम क्या किस तरीके से फाइंड करते हैं एच सी एफ, तो यहाँ पे एच सी एफ के लिए यहाँ पर इन दोनों में से देखा जाएगा कि इन दोनों में से सबसे छोटी पावर किसकी है। सो छोटी पावर देखनी है कि छोटी पावर कौन सी है इन दोनों में से, इन दोनों में से हम छोटी पावर देखेंगे, छोटी पावर यानी कि 3 की पावर 3। इसके बाद में इन दोनों में से देखेंगे इसमें से और इसमें से कि छोटी पावर किसकी है, तो 5 की पावर 2 छोटी है। अगर एच सी एफ पूछा जाएगा तो ये होगा, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम के लिए आप हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या होगी 3 रेज्ड पावर 4 और 5 रेज्ड पावर 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों पावर सेम है, तो यानी कि 3 × 5 रेज्ड पावर एक साथ 4 भी हम चढ़ा सकते हैं, तो ये आंसर इस तरीके से भी हो सकता है अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो। एच सी एफ पूछा गया है तो यहीं तक हमें जवाब देना है, एलसीएम हमें निकालना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है जो स्पॉटिंग मटेरियल में आपको दिया हुआ है, डीओई की तरफ से जो स्पॉटिंग मटेरियल दिया गया है आपके लिए। तो यहाँ पर यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है जबकि 9 नहीं, यहाँ पर ए है ये, तो यहाँ इक्वल टू ये दे रखा है ए इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर और बी इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 3 वाई रेज्ड पावर 5, जहां एक्स तथा वाई अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम फाइंड करना है हमें दोनों का, तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं, ए इक्वल टू यानी कि एक्स वाई की पावर 2 और बी यहाँ पर एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 5 ये दे रखा है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले भी सवाल में। तो यहाँ पे देखी जाएगी एक्स की हाईएस्ट पावर, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो एक्स की पावर 3 ये हाईएस्ट पावर है, और वाई की पावर हाईएस्ट इसमें से और इसमें से, वाई की पावर हाईएस्ट कौन सी है, तो वाई की पावर 5 हमारी हाईएस्ट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा यहाँ पे दे रखा है, ये सवाल है हमारा यहाँ पे ट्री मेथड के माध्यम से, ट्री मेथड वाला बहुत इजी सवाल है, तो किस तरीके से हल करेंगे। देखो यहाँ पे यहाँ हमारा 5 दे रखा है, यहाँ पे हमारे लिए 7 दे रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 35, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, और फिर यहाँ पर 2 है, 2 और 35 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा यानी कि 35 × 70, तो यहाँ पर हमारा यानी कि x की वैल्यू हो गई हमारे पास 35 और y की वैल्यू हो गई 70, तो ये ही हमारे आंसर्स होंगे जो हमें पूछे गए हैं। तो एक सेकंड का सवाल है, इससे बड़ा सवाल ये नहीं है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
यहाँ पर अगला सवाल है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि n एक वास्तविक संख्या है, n क्या है, एक वास्तविक संख्या दे रखी है, तो संख्या 25 की पावर 2n माइनस करें 9 की पावर 2n, तो विभाज्य होगा इनमें से किससे भाग है, 16 से, 34 से, या 16 और 34 दोनों से, या इनमें से किसी से भी भाग नहीं है। तो यानी कि इफ n इज ए नेचुरल नंबर, अगर आपको n कोई नेचुरल नंबर दे रखा है इनकी जगह, यहाँ पर जहाँ जहाँ n है तो वहाँ पर यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, तो इनमें से किससे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे यहाँ हमें संख्या दे रखी है, यहाँ पर यह नंबर दे रखा है हमारे लिए 25 की पावर 2 raised to power n माइनस के 9 और पावर 2n। तो यहाँ पर जहाँ n है वहाँ पर आप लेट कर लीजिए, यानी कि मान लीजिए, इंग्लिश में कहेंगे लेट और हिंदी में कहेंगे माना, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पर n की वैल्यू लेट करके चल लीजिए। पहली बार अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे तो यानी कि 25 की पावर आपके पास हो जाएगी 2 ब्रैकेट में यानी कि 1 माइनस के 9 की पावर 2 into 1, ठीक है, यानी कि 9 की पावर 2 raised to power 1। तो यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं 25 की पावर 2 यानी कि 2 1 जा 2 माइनस के 9 की पावर 2 1 जा 2। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटी, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो अगर हम यहाँ पे इनको 625 में से 81 को माइनस करते हैं तो क्या आता है आपका, तो यहाँ पे आता है आपका 544। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 544 आएगा। अब यहाँ पर यहाँ हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 16 34 और 16 34 दोनों दे रखे हैं। तो अगर आप 544 को डिवाइड करते हैं 34 से या 16 से, 34 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 16 टाइम्स जाता है, और अगर आप 54 को यानी कि 544 को, अगर 544 को आप डिवाइड करते हैं 16 से, तो ये जाएगा 34 टाइम्स यानी कि 34 बार। तो यानी कि अगर आप बात करें यहाँ पे तो ये दोनों की दोनों यानी कि 34 बार जा रहा है और 16 बार जा रहा है, तो यानी कि दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो मींस यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, यानी कि ये सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन थर्ड, यानी कि 16 और 34 दोनों आ रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये वाला। तो इस तरीके से इस सवाल को हम आराम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा लिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन HCF, HCF हमें निकालना है, तो HCF हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर यदि 2520 और 6600 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ये 120 दे रखा है और लघुत्तम समापवर्तक हमें दे रखा है 252 के, तो के का मान बताना है कि के का मान क्या होगा। तो यहाँ पे HCF और LCM दोनों दे रखे हैं और हमें K का मान बताना है, 165 होगा, 550 होगा, या 990 होगा, या 1650 होगा, तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला आपको बता रखा है कि फर्स्ट नंबर इंटू के सेकेंड नंबर और इक्वल टू होता है HCF इंटू के LCM, तो ये फॉर्मूला होता है बेटी। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका ये दे रखा है, सेकंड नंबर आपको ये दे रखा है, इंग्लिश में देख लो चाहे हिंदी में देख लो, नंबर दे रखा है हमें 2520, तो 2520 यहाँ पर रखा हमने, और सेकंड नंबर है हमारा 6600, तो 6600 हमने यहाँ पर रखा। HCF हमें दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर 120, और LCM हमें दे रखा है 252 के, तो यहाँ पर 252 के हमें LCM गिवन है। तो यहाँ पर सिर्फ हम कै को, यहाँ पर कै को छोड़ेंगे, बाकी को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 2520 गुणा के ये 6600, और यहाँ पर ये अपॉन में जाएगा 120, यहाँ से ये 120 यहाँ से यहाँ जाएगा, और इसके बाद में ये 252 भी यहाँ से यहाँ जाएगा, दूसरी तरफ जा रहा है तो अपॉन में जाएगा, और यहाँ सिर्फ हमारे पास बचेगा के। अब हम इसको काट देंगे दूसरे नंबर यानी कि 252 से, हम 252 को काटेंगे तो एक बार जाएगा और इसके साथ में जीरो भी है, तो ये जीरो हो जाएगी, यहाँ जीरो से आप इस जीरो को उड़ा देंगे,
और इस 12 से अगर आप 660 को काटेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, यानी कि 55 टाइम्स, 55 बार, कितनी बार जाएगा 55, और 55 और 10 यहाँ पर आपका बच गया, यानी कि 10 गुना के 55 आपका यहाँ पे बच गया, ये हो गया के वैल्यू के बराबर। अब दोनों को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 550, यानी कि के की वैल्यू हो गए आपकी 550। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो के इज इक्वल टू 550। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल है। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो भाई स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बेटे 2 प्राइम नंबर की बात करें, और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा यानी कि भाज्य संख्या वो होती है हमारी 4। अब यहां पर अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालें, इन दोनों का एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि इन दोनों में से कॉमन है और कॉमन में से जो छोटा पार्ट होगा, यानी कि 2 और 4 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसके तो 2 फैक्टर रहेंगे और 4 के फैक्टर करें तो 2 गुणा के 2, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट है ओनली, ये कॉमन पार्ट है, तो यानी कि यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी कि एचसीएफ हमारा 2 हो गया। अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम क्या होगा भाई, दोनों का यानी कि 2 नंबर हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, या फिर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री, अगर दोनों कॉमन आते हैं और कॉमन का यानी कि हाईएस्ट पावर अभी हमने बताया था, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ये दोनों कॉमन हैं तो कॉमन में से हाईएस्ट पावर देखी जाएगी, तो यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4, तो इसका आंसर हमारा ये 4 होगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। अगर हमसे एलसीएम पूछा है और एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अगर इनका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, क्या कहा था यहाँ पे, प्रोडक्ट दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट बताइए, तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट हम निकालेंगे, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एचसीएफ गुणा के एलसीएम, तो एचसीएफ गुणा के एलसीएम क्या होगा हमारा, यानी कि 2 × 4, तो 2 × 4 = 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सॉरी ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ये यानी कि 4, ये 8, जो 8 है ये ही हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट पूछा है। एलसीएम अगर पूछा जाता तो ये आंसर होगा, एचसीएफ पूछा जाता तो ये होता, अब हमसे प्रोडक्ट पूछा गया है तो प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो इसका आंसर होगा 8, क्या होगा 8 होगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं, यहाँ पर अगला सवाल करते हैं, यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम आपको 3600 दिया है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, कौन सा इनमें से इसका यानी कि महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम आपको दिया हुआ है और एचसीएफ कहा है कि इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी क्या है भाई। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला जो ये ना ऑप्शन है ए, यानी कि इससे अगर आप डिवाइड करते हो 3600 को, यानी कि 3600 को अगर आप डिवाइड करते हो 600 से, यानी कि पहला जो ऑप्शन है इससे, तो 0 से 0 कट गया और 6 से आप 36 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा। दूसरा है 500, 500 से अगर 36 600 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 से 0 जाएंगी और इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 7.2 टाइम्स। ठीक है, अगला यहाँ पे
400 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 36 को 400 से, तो ये दो जीरो से दो जीरो जाएंगे, और 4 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला यानी कि 3600 को अगर आप 150 से डिवाइड करते हैं तो एक जीरो हो जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन यानी कि 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरा पूरा नहीं कटा, यानी कि जो डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल में सिर्फ हमारा ये आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका HCF नहीं हो सकता, यानी कि HCF नहीं हो सकता, महत्तम समापवर्तक ये 500 इसका नहीं हो सकता, ये बाकी इसके HCF हो सकते हैं। चलिए जी अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, यदि P की पावर n इज इक्वल टू a इंटू 5 रेज्ड पावर n हो, तो P रेज्ड पावर n के इकाई स्थान पर जीरो आने के लिए, भाई इकाई स्थान पर जीरो आना चाहिए के मान के लिए क्या होगा, कोई वास्तविक संख्या होगी, सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, इनमें से कोई नहीं होगी। तो आप यहाँ पे यानी कि P की पावर n है और बराबर यहाँ पर ये a इंटू 5 रेज्ड पावर n दे रखिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर P रेज्ड पावर n टू एंड विद द डिजिट जीरो, तो ए की वैल्यू क्या होगी भाई, नेचुरल नंबर होगी, इवन नंबर या ऑड नंबर या नन ऑफ दीज, तो कोई में इनमें से कोई नहीं होगी, या फॉर नेचुरल नंबर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको सीधा ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेटे, यहाँ पे आपको दे रखा है पी की पावर एन इज इक्वल टू ए इंटू 5 रेज्ड पावर यहाँ पर आपको एन दे रखी है, तो जहां जहां एन है तो वहां पे आप लेट कर लीजिए। तो लेट करेंगे तो लेट यानी कि एन की जगह आप यानी कि पहली बार 1 पुट करें, और यहाँ पे ए की वैल्यू आप बार बार चेंज करेंगे, पहली बार ए पुट करेंगे तो आप यहाँ पे यहाँ पी की पावर 1 हो जाएगी, और ए की जगह आप 1 पुट कर रहे हैं इंटू में 5 और होल रेज्ड पावर यानी कि 1 एन की जगह 1, तो यानी कि 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 रेज्ड पावर 1 को यानी कि आप 5 लिख सकते हैं। दूसरी बार n को आप अभी भी 1 लीजिए, और यहाँ पर a की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, तो a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो p की पावर ये तो 1 ही रहेगी, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा अब की बार यहाँ a की वैल्यू यानी कि 2 हो जाएगी और पावर 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 की पावर 1 यानी कि इसको आप सिर्फ 10 लिख सकते हैं। यानी कि देखो, दो पुट करने पर ए की वैल्यू पूछा है, ए की वैल्यू 2 आई तो यानी कि 10 आ रहा है, अगर हम 1 रख रहे हैं तो हमारा 5 आ रहा है, तो 5 हमारा यानी कि 0 नहीं आ रहा है। अगला हम लेके चलते हैं एन की वैल्यू, तो 1 ही रखेंगे, और यहाँ पर अब की बार हम ए की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू 1 पावर 1, और यहाँ पर अब की बार ए की वैल्यू 5 कर दिया है, ए की वैल्यू 3 कर दिया है और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में रहेगा, तो 3 5 15, तो 15 की पावर 1 यानी कि ओनली 15 हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर एन की वैल्यू वापस से 1 हम पुट कर रहे हैं, और ए की वैल्यू अब की बार हम 4 पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, 4 हम पुट कर रहे हैं, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर पी की पावर 1 यानी कि अब हमारा ए की वैल्यू 4 और ये 5 अपनी जगह पर ही है, और यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 लेके चल रहे हैं, तो 4 5 20, तो 20 की पावर 1 यानी कि हम इसको 20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक कॉमन चीज आपने देखी होगी, जब आप a की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं और a की वैल्यू 4 पुट करी आपने, तो यहाँ पर आपका एंड विद डिजिट 0 यानी कि लास्ट में डिजिट 0 आ रहा है, तो यानी कि जब भी आप इवन नंबर रख रहे हैं, ए की वैल्यू इवन नंबर रख रहे हैं, तो आपका इवन नंबर जब भी आप पुट कर रहे हैं तो इवन नंबर पे 0 पे एंड हो रहा है, तो इवन नंबर ओनली इवन नंबर, तो इवन नंबर ठीक है, तो नेचुरल नंबर भी नहीं, ऑड नंबर भी नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके लिए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। महत्तम समापवर्तक हमेशा लघुत्तम समापवर्तक का गुणज होता है, लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड होता है, या लघुत्तम समापवर्तक से विभाज्य होता है, ए और सी दोनों हैं। तो यहाँ पे HCF इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एलसीएम होता है, या फैक्टर ऑफ एलसीएम होता है, या डिविजिबल बाई एलसीएम होता है, या फिर ए और सी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। तो बेटे देखो, HCF हमेशा क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है। अभी आपसे ऊपर सवाल भी पूछा गया था, तो क्या होता है बेटे, फैक्टर
फैक्टर होता है, ऑलवेज फैक्टर होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में आप हमारे चैनल पर बने रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके की